मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों आज हम सभी सॉल्व करते हैं समर वेकेशन होमवर्क सब्जेक्ट मैथ की हम बात करते हैं। क्लास फिफ्थ, डेट 22nd of April। 22nd of April को जो हमें मैथ्स का वर्क दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट, मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। देखिए बच्चों आप सभी को एक डिग्री क्लॉक बनानी है। किस तरह बनानी है देखिए। कट अ सर्किल आउट ऑफ पेपर। बच्चों आपको एक पेपर लेना है, उस पर आपको बैंगल की, चूड़ी की, या फिर बॉल की, या फिर ग्लास की, किसी की भी हेल्प से एक सर्किल बनाना है और फिर उसे सर्किल को काट लेना है सीजर से, ठीक है। देन फोल्ड इट इंटू हाफ। फिर उसे हमें फोल्ड करना है उस सर्किल को बीच में से। देखिए जिस तरह से, इस तरह से करा हुआ है। फोल्ड इट वंस अगेन इंटू अ क्वार्टर। फिर अगेन से उसको बच्चों फोल्ड करना है हमें। फोल्ड इट वंस मोर। फिर उसे और मोड़ना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है, ठीक है। ओपन द पेपर एंड यू विल सी मैनी लाइन्स। जैसे ही बच्चों आप पेपर को ओपन करोगे आपको बहुत सारी लाइन्स दिखाई देंगी। नाउ मार्क 0 degree, 45 degree, 90 degree एंड 180 degree एज शोन। बच्चों फिर आपको क्या करना है, आपको 0 degree, 45 degree, 90 degree एंड 180 degree उसमें मार्क करना है, जैसा कि इसमें कर रखा है। बच्चों जो सेंटर से जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, देखिए बच्चों राइट साइड में 0 degree, ठीक है। देन स्ट्रेट, सर्किल का जो हाफ होता है उसे 180 degree हम बोलते हैं, ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन देखिए 90 degree बोलेंगे इसे हम, और इस हाफ को, अदर हाफ को हम 45 degree बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को स्केल की हेल्प से लाइन बना करके और आपको ये डिग्री शो करनी है, 0 degree, 45 degree, 90 degree और 180 degree। आया सभी को समझ में। पेस्ट इट एन ऑन एन ओल्ड कार्ड। आपको बच्चों पुराना कोई कार्ड होगा आपके पास, उसके ऊपर इसको पेस्ट करना है। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड। बच्चों सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में से, देखिए जहाँ मैंने ब्लू कलर करा यहाँ से आपको एक हैंड बनाना है। ये देखिए ऊपर की तरफ जिस तरफ मैंने करा है, ये रेड कलर का हो रहा है, इसे मैंने ब्लू कलर का बनाया है। देखो सभी को दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है, इस तरह से आपको एक हैंड बनाना है। मेक अ रेड हैंड विद अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विद अ ड्राइंग पिन सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको रेड हैंड बनाना है किसी मोटे पेपर से और उसे इसमें फिक्स कर देना है ताकि वो इधर उधर घूम सके। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी। अब तो आपकी जो डिग्री क्लॉक है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है। आया बच्चों सभी को समझ में। एक्टिविटी टू, मॉडल ऑफ एंगल्स। मेक अ मॉडल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्टिक एंड राइट द काइंड्स ऑफ एंगल। देखिए बच्चों आप सभी को मॉडल बनाना है एक एंगल्स का। एंगल्स आप सभी को पता है, ठीक है। आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से आप सभी को डिफरेंट काइंड्स के एंगल्स बनाने हैं, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। देखिए हमारे कौन कौन से एंगल्स होते हैं। देखिए बच्चों अपने होते हैं एक्यूट एंगल। आप सभी बच्चों देखिए वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। और देखिए बच्चों आपको आइसक्रीम स्टिक लेनी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक स्टिक आपको ऐसे रखनी है और एक स्टिक आपको ऐसे पेस्ट करनी है। जो भी एंगल बच्चों, ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये होता है हमेशा फर्स्ट। आप देखिए राइट एंगल, राइट एंगल होता है एग्जैक्ट 90 degree। जो भी स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है ये हमारा 90 degree का एंगल होता है, इसे हम हमेशा बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों अपना एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है बच्चों, जो कि लेस देन 90 degree होता है। 90 degree अपना स्ट्रेट होता है, तो इससे कम जो भी एंगल होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। आगे सभी को समझ में। देन हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं बच्चों हमारे, जो एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 degree एंड लेस देन 180 degree। तो देखिए बच्चों 180 degree हमारी ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये हमारी 180 degree की होती है,
सभी को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा, तो मतलब इससे तो ज़्यादा और इससे कम, तो मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या होगा हमारा, इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि ग्रेटर देन, आप सभी को बच्चों ये याद रखना है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। देन आता है बच्चों हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने आप सभी को बताया है, 180 डिग्री वाला जो होता है हमारा वो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये चार हमारे मेन एंगल होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। आप सभी इन चारों को किसकी हेल्प से बनाना है बच्चों, आपको आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से आप सभी को ये एंगल्स बनाना है। लाइक आपको पहले स्ट्रेट स्टिक रखनी है, पेस्ट करनी है, फिर देन ऐसे, इसमें भी आपको इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से आपको आइसक्रीम स्टिक चिपकानी है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्रिएटिव वर्क, फूड कलर रेड। रेड कलर देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ मेंशन किया गया है कि रेड कलर हमारा कौन सा है, ठीक है। ईट रेड कलर फूड आइटम, फॉर एग्जांपल एप्पल, वाटरमेलन, कैरेट, टोमेटो, चुकंदर, रेड दाल एक्सेट्रा। बच्चों आप सभी को रेड कलर का कोई भी फूड आइटम खाना, जैसे सेब हुआ, तरबूज हुआ, गाजर हुई, टमाटर हुआ, चुकंदर हुआ, लाल दाल हुई, ठीक है। ड्रिंक में बच्चों आप सभी को लस्सी लेनी है। फैमिली फन टाइम गेम, कैरम, लूडो, प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बच्चों गेम में देखिए आपको कैरम या लूडो खेलना है अपने फ्रेंड या पेरेंट्स के साथ। एक्टिविटी हेल्प योर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, और बच्चों आपको क्या करना है, अपना जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसमें आपको अपनी मदर की हेल्प करनी है। इस तरह से बच्चों आप सभी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।